टॉपिक इज आर्टिकल्स. सो व्हाट आर आर्टिकल्स? वर्ड्स जैसे कि ए, एन और द, ये तीन जो वर्ड्स हैं उसको आर्टिकल्स कहते हैं. और ये हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं. कोई भी नाउन को बताने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम ये तीन आर्टिकल्स यूज़ करते हैं. तो हम इसी आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा आर्टिकल्स कहाँ और कब कैसे यूज़ होता है. आर्टिकल्स आर ए, एन, द. ओके, वी यूज़ आर्टिकल्स बिफोर एनी नाउन. ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, वेयर द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. तो ए एंड एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं एंड द को डेफिनेट बोलते हैं. अब ये क्यों बोलते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं. ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन. तो कोई भी सिंगुलर यानी कि एक, या काउंटेबल या आप उसे गिन सकते हो, आप ए और एन को उसके पहले यूज करोगे. और वैसे ही द इज़ यूज बिफोर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स. और द के लिए आप सिंगुलर के पहले, प्लूरल के पहले, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये चारों के पहले आप द यूज़ कर सकते हो. डिपेंड्स ऑन व्हाट द वर्ड इज़ एंड हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. तो अब अगर आप हिंदी में देखो तो आप बोलोगे मैंने खिड़की के बाहर एक कुत्ता देखा. तो आप क्या बोलोगे कि एक कुत्ता देखा. उससे आपको, आप बोलने वाले को और समझने वाले को पता चलेगा कि आपने वहाँ पे वन डॉग यू सॉ. बट अगर आप यही सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे सो यू विल से आई सॉ अ डॉग आउटसाइड माई विंडो. तो आप ऐसे नहीं बोलोगे आई सॉ वन डॉग, यू विल से आई सॉ अ डॉग. आप ए यूज़ करोगे उसके पहले. ओके, यू विल नॉट ट्रांसलेट द होल थिंग. आप वन डॉग नहीं बोलते इंग्लिश में, इट वुड बी अ डॉग. ओके, वैसे अगर एलिफेंट हुआ तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन. बिकॉज एन हम कब यूज़ करते हैं, वावल्स के पहले. वावल्स आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू. तो ये सारे लेटर से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम एन यूज़ करेंगे. आई एट एन आइसक्रीम, ठीक है. आई वॉज ईटिंग अ चॉकलेट. तो चॉकलेट, सी जो है वो कॉन्सनेंट है, इट्स नॉट अ वावल. तो हमने ए यूज़ किया. और आइसक्रीम है आई, तो हमने क्या यूज़ किया, एन. सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. फर्स्ट इज डेफिनेट एंड देन इज इनडेफिनेट आर्टिकल. सो लेट अस सी व्हाट इज इनडेफिनेट आर्टिकल. सो अर्लियर आई सेड व्हाट इज इनडेफिनेट आर्टिकल, देर आर वर्ड्स ए एंड एन. ये दो जो वर्ड है उनको इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं. तो वो कहाँ यूज़ होती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले. सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए, नॉट विथ प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स के आगे आप ए और एन नहीं लगाओगे. जैसे कि अ मैंगो, ऐसा आप बोलोगे. अ मैंगोस नहीं बोल सकते क्योंकि अ मैंगो इज मतलब हो गया एक मैंगो, ठीक है. ब्रिंग मी अ मैंगो, ब्रिंग मी अ मैंगोस नहीं बोल सकते, ठीक है. सो आप ए को आपने कब यूज़ किया, सिंगुलर के आगे और काउंटेबल नाउन के आगे. आप प्लूरल के आगे इससे यूज़ नहीं कर सकते. सेम विथ एन, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेलास नहीं आएगा. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है. इट इज़ यूज टू रिफर टू जनरल आइडिया, नॉट टू पॉइंट अ पर्टिकुलर थिंग. तो कोई भी जनरल आइडिया को, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया वैसे, कोई भी जनरल आइडिया को बताने के लिए, नॉट टू पॉइंट अ पर्टिकुलर थिंग. कोई भी पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं कि मेरे को वही वाला चाहिए. हम बोलेंगे अ बैग, तो मैंने बोल दिया कि कोई भी बैग मेरे लिए ला दो. मैं बोलेंगी द ब्लू बैग, तो इससे हमने क्या पॉइंट आउट किया एक पर्टिकुलर थिंग को कि मेरे को वही ब्लू कलर वाली बैग ले कर दो, ठीक है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, वी यूज़ अ बिफोर अ कॉन्सनेंट वर्ड एंड कॉन्सनेंट साउंड. तो अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम ए को कॉन्सनेंट साउंड और कॉन्सनेंट वर्ड. कॉन्सनेंट वर्ड तो आपको पता है, ए ई आई ओ यू को हटा के जो भी वर्ड्स होती है अल्फाबेट्स में वो सारी होती है कॉन्सनेंट वर्ड. यहाँ पर हो गया अ बॉल, अ पिक्चर, अ फाइल, अ मैन, ठीक है. So we have an, हमने ए देखा, अब an. We use an before vowel words and vowel sounds. मैंने आपको earlier बताया कि vowel a e i o u अगर वो उससे word शुरू होती है तो आप क्या use करोगे, an. और इसमें आपको ध्यान देना है कि vowel sound भी हो. a के लिए क्या बोला था, consonant word and consonant sound,
एंड के लिए हो जाएगा वावल वर्ड एंड वावल साउंड. अब ये वर्ड एंड साउंड क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जो एंड हम यूज़ कर सकते हैं, एंड एप्लीकेशन, एंड एलिफेंट, एंड आउल, एंड अम्ब्रेला. तो ये सब क्या है, ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, ये एक वावल है, ये एक वावल है. फर्स्ट लेटर देखा आपने नाउन का, तो उसके बेस पे आपने एंड यूज़ किया. अब मैं बताती हूँ कि साउंड जो हम बात कर रहे थे, वावल साउंड, कॉन्सनेंट साउंड, वो क्या होता है. ठीक है, आप ए और एंड जो यूज़ करते हो वो सब डिपेंड होता है वावल या कॉन्सनेंट के साउंड पे. अभी यहाँ पर देखो मैंने लिखा एच ओ यू आर, तो एच क्या हो गया, एच एक कॉन्सोनेंट हो गया. ठीक है, वो वावल नहीं है. बट हम जब आवर लिखेंगे तो हम लिखते हैं एन आवर, या हम जब बोलते हैं तो हम एन आर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये तो कॉन्सोनेंट है तो कैसे आएगा. लेकिन जब आप उसे बोलते हो, जब आप ज़ोर से बोलोगे तो आप हावर, एच को ह नहीं बोलोगे, आप आवर बोलोगे. तो मोर वो कैसे सुनाई देता है, आवर जैसे सुनाई देता है. तो क्या साउंड आती है मुंह से, ओ की साउंड आती है. तो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, एन. ओ क्या हो गया, वावल आ गया ए ई आई ओ यू में, इसीलिए हम यूज़ करेंगे एन आवर. आई विल रीच देयर एन आवर अर्लियर. ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी. अब यूनिवर्सिटी यू आ गया, यू तो कहने में वावल है. ठीक है, लेकिन जब आप सुनते हो तब वो मोर लाइक क्या सुना देता है, यूथ. यूथ बोलोगे तो कैसे यू आता है. तो ये साउंड कैसा आता है आपको, कॉन्सनेंट का. ठीक है, साउंड क्या आता है, कॉन्सनेंट का. तो यहाँ पर आप एन यूज नहीं करोगे, यहाँ पर आप अ यूज करोगे. क्या लिखोगे, शी वर्क्स इन अ यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो यहाँ पर ए यूज़ करोगे. क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो साउंड है वो वावल जैसा नहीं है, कॉन्सनेंट जैसा आता है. तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है. ठीक है, और अगर आपको कभी भी डाउट होता है तो आपको सिर्फ वो वर्ड जो है, जो नाउन है, वो आपको ज़ोर से बोलना है. तो जब आप ज़ोर से बोल के देखोगे तो जो साउंड आ रही है, अगर वो वावल की आ रही है ए ई आई ओ यू, देन यू हैव टू ऐड एन. अगर वो कॉन्सनेंट की साउंड आ रही है देन यू हैव टू ऐड ए. काइंड ऑफ आर्टिकल इज डेफिनेट आर्टिकल. तो वी सॉ अर्लियर की डेफिनेट आर्टिकल क्या है अपना, द, टी एच ई, वो डेफिनेट आर्टिकल है. तो ये जो इन इंग्लिश द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डिफर्स फ्रॉम व्हेन यूज्ड बिफोर अ कॉन्सनेंट एंड अ वावल. तो ये जो द है, टी एच ई है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, जो साउंड है, वो अलग अलग, दो अलग अलग साउंड्स हैं. अभी आप अगर कॉन्सनेंट के पहले यूज़ करते हो उसको तो आप बोलोगे द, और अगर आप कोई वावल वर्ड के पहले यूज़ करते हो तो आप उसको बोलोगे दी. फॉर एग्जांपल आप बोल दोगे द बुक, अब बी जो हुआ वो कॉन्सनेंट हुआ, आप बोलोगे दी ऑरेंज, तो ऑरेंज वो था ओ, तो वो हो जाएगा दी, द बुक बी. फिर ऐसे अगर आप वावल वर्ड, जो वावल से स्टार्ट होती है, वो वर्ड के आगे आप यूज़ करते हो, आप बोलोगे दी जब आप रीड करते हो, और अगर कॉन्सनेंट होगा तो आप बोलोगे द. तो ये उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है जब आप रीडिंग कर रहे हो. अब हम देखते हैं कि हम द को कब कब यूज़ करते हैं. व्हेन बोथ स्पीकर एंड लिसनर आर टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक. अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और आप कोई पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हो, आपको भी पता है और वो स्पीकर को भी पता है कि आप किस बारे में बात हो रही है, तो आप द यूज़ करते हो. यहाँ पर एग्जांपल है, लेट्स वॉच द मूवी. तो ये आपने स्पेसिफाई कर लिया कि हम मूवी देखते हैं, वो वाली. अब जो आप बात कर रहे हो, अब जिससे बात कर रहे हो, आप दोनों को ही पता है कि आप कौन सी मूवी की बात कर रहे हो. इसकी जगह अगर आपने बोला होता लेट्स वॉच अ मूवी, तो इसका मतलब है कि कोई भी मूवी देखने जाते हैं. बट आप बोलोगे लेट्स वॉच द मूवी, यानी कि आपने डिसाइड किया था कि कौन सा मूवी आप देखने वाले हो, आप वो ही देखने की बात हो रही है. नेक्स्ट है टू पॉइंट आउट यूनिक थिंग्स. यूनिक यानी कि सबसे अलग और शायद एक ही हो पूरे दुनिया में. तो हम तब भी अगर बात करें तो हम द यूज़ करेंगे. यहाँ पर एग्जाम्पल है, द सन लुक्स वेरी ब्राइट टूडे. तो जो सन है वो काफ़ी ब्राइट, तो सन तो अब एक ही है अर्थ के लिए, तो हम सन को पॉइंट आउट करने के लिए द यूज़ करेंगे. फिर हम बोलेंगे न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल, तो हमने वो क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो तो पर्टिकुलर थिंग है. ठीक है,
तो इस तरीके से टू टॉक अबाउट सुपरलेटिव्स, ऐसे क्या हमने पढ़ा था डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. उसी तरीके से जब हम सुपरलेटिव्स की बात करेंगे, जब हम वर्ड्स यूज़ करेंगे, तब हम उसके आगे द लगाएंगे. अब यहाँ पर एग्जांपल है, विक्की इज़ द यंगेस्ट इन द फैमिली, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया, द यंगेस्ट, तो वो यंगेस्ट को ज़्यादा जोर लगाने के लिए. ठीक है, शी इज़ द एल्डेस्ट इन द फैमिली, तो द एल्डेस्ट, तो ये सारी टाइम पे हम द यूज़ करते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल्स. लेटर वी विल डू द प्रैक्टिस, तब आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा.